हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, रात को आई थी बहुत तेज आंधी और तूफान और बारिश, तो बारिश से लाइट नहीं है आज। तो देखिए, और ये बंदरू आ गए हैं सुबह सुबह अपना लेने के लिए नाश्ता पानी। चलो आओ, निकालूंगी, आओ आ जाओ। चलो चलो, वही तेरी क्या है। तो जब तक लाइट नहीं आएगी कुछ काम नहीं चलेगा, क्या करें। एक बार तो मैंने सफाई करती थी बाहर की, बहुत बुरा हाल हो रखा था। और देखिए, गली में दिखाती हूँ। बेटे आराम से जाना है, बिल्कुल ठीक है, जाओ आराम से जियो। और गली में देखना क्या हाल हो रखा है। ये देखो गेट के सामने लाइट आएगी तब मैं धोऊंगी। ये देखिए, हमारी दीदी आ गई है घूम के तीर्थ करके, तो हम पैर छू लेते हैं। और तो गाइस, अब हम जा रहे हैं सारे घूमने के लिए, क्योंकि आज लाइट नहीं है, ना पानी है, कुछ भी काम नहीं है। तो आज हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ खा कर आएंगे बाहर। और सूरजमुखी तो काट दी है ही नहीं। देखिए गाइस, आंधी से हुआ कितना नुकसान, पेड़ और खंबे सभी गिरे हुए हैं। रात को बहुत तेज आंधी आई थी और बहुत से खंबे टूट गए हैं। तू डर गया था और ये डर गया था भाई आंधी से। कैसे डरा था, कैसे डरा था? डर गया था। अच्छा, करके भड़म देसी बोला था आसमान ना लगे रही देव मां बात लगा आत्मा एक पक्षी आला डाल उंदल काटा मां। हां, उंदल काटा। अच्छा, आंधी तो डर गया था। आंधी तो डर गया था। तू भी डर गई थी? तू भी डर गई थी? बता दे, तू भी डर गई थी के नहीं? देखो ये सबसे पूछ रहा है कि तू भी डर गई थी के। पानी 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 दे दे, क्या दे। बंदरू को लगी है प्यास तो बंदरू पिएगा पानी। तो भाई गाड़ी रोक दे। ओए घर रोड रोड गाड़ी रोक दे, पानी पी। पानी क्यों वा ये रोक दे, रोक दे। अरे आगे ना होके, चल आगे ना होके रोक दे। देख दस का लग जाएगा और क्या। देख पिया एक घूंट नहीं अरे निकले बस। अरे वो खंबा गिर रहा कहाँ? देखो राइट में, देखो अरे वो दिखता नहीं, राइट में भी गिर रहा है, लेफ्ट में भी गिर रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए भाई कितना नुकसान है भाई। टावर भी पड़ गया, फिर ये लाइन तो टूट गई। अरे गौरव, ये लाइन तो जबरदस्त टूट रही है। लाइट तो देख कितनी, देखिए टूट रही तार, खेतों में पड़ी। ये देख खेतों में पड़ी, देख कौन है टूट रहा है। आनंद देख लिया, पेड़ देख टूटा पड़ा, ये तार लटकी पड़ी भाई। जनरेटर का जुगाड़ करना पड़ेगा। जनरेटर पता कर, मैंने कहा अपना लाइट नहीं आती। तो देखिए गाइस, ये बच्चा बोल रहा है कि मां हमारी तार हट गई बिजली की। मां तो कुत्ते का हुआ, ठीक है खवाएंगे चॉकलेट, ओल के खाएगा, बता दिए सर। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी खाएगा। हां छोटी नहीं खाएगा। मैंगो वाली आइसक्रीम, मैंगो वाली आइसक्रीम तेरी है। मैंगो मांगी वाली मां, अंगू वाली आइसक्रीम मैं तो कुत्ते का हुआ। ठीक है खा लिए बाबू। कौन आ रहा? मांगी वाली कौन आ रहा? मेरे पे आ रहा है, मेरे पे थोड़ी आ रहा है। तो गाइस, बच्चों का कर रहा था कुछ खाने का मन, मेरा नहीं, देवू का कर रहा था। देवू बहुत देर से बोल रहे कर, देवू बहुत देर से बोल रहा था मलाई चाप मंगवा लो। पहले तो तेरे लग गई थी मुंह मुझे। और गाइस, आज हम आ गए हैं मन्नत रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ चटपटा सा। तो देखते हैं क्या खाते हैं वहाँ पर। ये देखिए, हम आ चुके हैं मन्नत पर और साथ में हमारे चिन्नू भी। चिन्नू चलो 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 भाई, तानी कैसा लग रहा है? चलो 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 ले तानी तू।
तो भाई हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने में मंगाया है हमने, अभी दिखाते हैं आपको, आ जाएगा तब बेटा बैठ जाओ। मोमोज हैं यहाँ पर, नहीं मिले बच्चों के तो मोमोज तो मिलेंगे नहीं, और कुछ खाएंगे बच्चे तो देखिए क्या क्या आएगा, अभी बताएंगे हम आपको। पानी प्यास लगे और ले ले तानी, तो ये आ गए छोटी कटोरी तानी के लिए, ये आ गए हैं सांभर वाला और देव का आ गया ऑनियन डोसा। डोसा एक ही बनाया थे। हाँ जी मम्मी कैसा लगा? हैं आवाज नहीं आई, पेट भर गया, इतनी ही टंकी है इसकी। पानी कैसा था? बढ़िया। और भाई चमन कैसा था? ऐसी सिस्टम है, मजा आ गया। एक रायता और मंगा दो, रायता हैं मंगा दोगे? और भाई देवू आइसक्रीम, चलो ठीक था बस। मैंने सांबर वड़ा ही बढ़िया लगा, वो मैंने खाए थे सांबर वड़े और फुहारे चल नहीं रहे, बंद पड़े हैं। वहां से जाके बना मेरे सामने। कुल्फी वाला, कुल्फी खिला दे है ना भाई, बच्चों कुल्फी खा लेंगे हम तो, है ना भाई चिन्नू? मैं कुल्फी लेगा इसका। आइसक्रीम खाएगा? यो आइसक्रीम खाएगा, यो कुल्फी नहीं खाएगा, पहले बता रहे हैं। तो चिपकी पहले, अब तो ना चिपकी, हाथों में चिपकी, हाथों में चिपकेगी, साफ कर देंगे धो देंगे, पानी रखा है। आइसक्रीम खाऊंगा, ये टूट गया तो गाइस। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि आइसक्रीम खिला दो, तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे, है ना भाई तानी? मीठी मीठी यम्मी यम्मी सी आइसक्रीम खाएंगे। मम्मी ने दो बारी कह दी वीडियो में, बच्चे कह रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे। ये देखो भाई गाइस, हमारा मीठा खाने का मन कर रहा था, पर गौरव बोल रहा है मम्मी आपकी शुगर है, आप मत खाना मीठा। तो क्या करे भाई, बड़े परेशान हो गए हम तो। आइसक्रीम खाओगा मैं बेटा, घर जाके देंगे, घर आइसक्रीम रखी है ठीक है, डब्बा रखा है। हाँ तेला मेरा चुन्नू पुन्नू है, ये मेरा चुन्नू पुन्नू इसी के लिए तो आती है, है ना भाई? कैसे पीता है चुन्नू रोटी? फ्रूटी भी देंगी ठीक है घर जाके। देबू तो लेगा चुन्नू पुन्नू किसी को एंट्री, और मेरे सैंपल होते दिखता दे देगी तू, झटका देगी तू, अपने आप पे हो जाएगी बात। क्या कैसा लग रहा था चाची? okay. खिलाओगी चाची का तो? गाइस 8:30 बजे आई थी लाइट और हमने भर लिया था पानी वगैरह, और एक बार फिर चली गई तो हमारे डर चढ़ गया कि अब लाइट नहीं आएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लाइट तो आ गई। और अब देखो कब तक रहेगी, वैसे सारे खंभे और सारी तारें टूटी पड़ी हैं, पता नहीं लाइट कैसे आ गई। चमत्कार है भाई बिजली वालों का, कैसे क्या कर देती हैं। क्योंकि हमने बाहर निकल कर देखा खेतों में, गांव में और गनोर में सब जगह खंभे टूटे पड़े थे, पर पता नहीं लाइट कौन से गांव से जोड़ी है कौन से नहीं, पर 8:30 बजे लाइट आ चुकी थी हमारे गाँव में। तो चलो शुक्र है भगवान का, नहीं उम्मीद नहीं थी, इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था रात को कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हफ्ते तक लाइट नहीं आएगी, क्योंकि
सब कुछ तहस नहस हो रहा है खेतों में, पेड़ पौधे खम्बे सब उपड़े पड़े हैं। तो देखो उनको ठीक होने में कितना टाइम लगता है। कहते हैं कि शेखपुरा गांव से लाइट जोड़ी हुई है हमने हमारे गांव में, तो चलिए गाइस। और सब्जी मैंने बना ली है आलू सोयाबीन की, और अभी इसके पापा आए नहीं आए, गांव में तो आ गए पर अभी घर नहीं आए हैं। और भाई हमें आ रही है नींद क्योंकि घड़ी में बज गए हैं 10:30, और आटा वगैरह लगा के हमने रख दिया है। हमें तो भूख है नहीं क्योंकि हम खा पी कर आए थे मन्नत ढाबे से। और भाई देवू मन्नत हवेली और मन्नत हवेली लिख रहा था उस पर, ठीक है भाई मन्नत हवेली, हमें तो पता नहीं क्या है। पर गाइज हमें बिल्कुल भूख नहीं है, बस पानी पानी पिया है सबने। इसके पापा खाएंगे, अगर रोटियाँ खाएंगे तो उनकी मैं बना दूँ। तो गाइज इस व्लॉग का हम करते यहीं पर एंड, क्योंकि अब हो गया है हमारे सोने का टाइम। तो गाइज ओके बाय, गुड नाइट, सी यू शुभरात्रि। अरे तिल्कू ये देखो भाई, आज तिल्कू ने पहने हैं नए ड्रेस। तिल्की अरे आज तो गाइस हमारे घर में हो गए थे बहुत सारे ततैये, और आज चमन ने सबका सफाया कर दिया है, और मेरे हाथ में भी आज खा लिया था, पर दवाई बहुत अच्छी थी, सूजन नहीं आई। देख दवाई कितनी बढ़िया थी, सूजन नहीं आई हाथ में। आई नहीं ना, हाँ फिर वो सही टाइम पर ले लिया। तो आज इन्होंने सारे ही ततैयों का काम तमाम कर दिया है। चाय नीचे रखी है, नीचे ही है। तो बच्चों ने बहुत बहादुरी का काम करा है आज ततैयों को मार के, बहुत जगह घर बना रखे थे इन्होंने जगह जगह, और देखिए ये जो बल्ला है इसके अंदर भी बना रखा था। तो आज सभी छत्ते तोड़ गए हैं बच्चों ने, क्योंकि ये बड़े खतरनाक होते हैं, सांप से भी जहरीला इनका डंक होता है। आज मेरे हाथ में देखो दो जगह काट खाया था बिरड़ ने, पर तुरंत ही मैंने अचार लगा लिया आम का खट्टा खट्टा, और दवाई ले ली थी, थोड़ी ही आई सूजन, इतनी नहीं आई। तो गाइस किसी को भी अगर ततैये खा लें तो तुरंत अचार लगा लो या लोया रगड़ लो, और फिर दवाई लो डॉक्टर से ततैये खाने की, क्योंकि इसमें सांप से भी ज़्यादा जहर होता है, इससे आदमी की जान भी जा सकती है। तो इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमने इनको चाय बनाकर दे दी है बच्चों को, आज इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। मम्मी ये देखिए कैसे मारी इन्होंने, देखो 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 मैंने आवाज तो आ रही थी, मैं कह रही थी किसकी लड़ाई शुरू हो गया। देख गए ना बंदर, देखियो चलो पी लो चाय। देखो देखो देखियो कितनी मरी पाऊंगे। देखो भाई तो सही है, मारते हैं बच्चे। अब ना एक बार और मार दे इसमें थोड़ी सी।